Assalamu alaikum, welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I am going to practice business mathematics for 11 commerce chapter 3, interest and annuities, exercise 3. So let's start. So question number 3.54 is compound amount is rupees 42,000 at the end of 13 years at 10% per year compounded annually. ठीक है, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट है 42,000 है 13 ईयर्स के एंड तक. ठीक है, एंड पर हमारे 13 ईयर्स के एंड पर हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट है वो कितना है 42,000 एंड उस पर रेट कितना है 10%. ठीक है, और कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, यानी कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है पर ईयर हर साल. ठीक है, सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, इसमें हमने फाइंड प्रेजेंट वैल्यू करनी है. सो अमाउंट हमारे पास कितने हैं 42,000, टाइम हमें 13 ईयर्स दिए हुए हैं, आई हमारे पास रेट कितना है 10%. सो यहाँ पर 10% है तो 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा 0.10. ठीक है, एंड एम हमारे पास कितना है 1, जैसे कि यहाँ पर एनुअली है तो हम 1 लेंगे. ठीक है, अब हम आई डिवाइड बाई एम को फाइंड करेंगे. सो आई डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू आई हमारे पास 0.10 है, डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.10 ही आएगा. ठीक है, सो एम टी को फाइंड करेंगे, एम हमारे पास 1 है एंड टी हमारे पास 13 है, सो 1 13 सा 13 आएगा. ओके, सो फॉर्मूला पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम की होल पावर एम टी. सो पुटिंग वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में, सो ए हमारे पास है 42,000 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम जो कि था 0.10 की होल पावर 13. ओके, सो नाउ हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन पावर उसकी फाइंड करेंगे. सो 42,000 इज इक्वल टू पी, 1 को प्लस किया 0.10 में तो हमारे पास आ जाएगा 1.10 की पावर 13. ओके, सो जब हमने 1.10 की पावर 13 फाइंड की तो हमारे पास आ जाएगा 3.452. ओके, सो 42,000 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई होगा किससे, 3.452 से, तो हमारे पास आ जाएगा 42,000 इज इक्वल टू 3.452 पी. सो जैसे कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी थी तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ है 3.452, तो इसको डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड. सो डिवाइड 3.452 ऑन बोथ साइड, सो 42,000 डिवाइडेड बाई 3.452 इज इक्वल टू 3.452 पी डिवाइडेड बाई 3.452. सो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो पी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जब हमने डिवाइड किया 42,000 को 3.452 से तो हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 12,166.859 आंसर. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3.55 इज If rupees 8,000 is due 3 years from now and the money is worth 4% compounded semi-annually, find its present value. ठीक है, सो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अब से 3 साल तक के लिए जो हमारे पास इनके एक तरह की कंपाउंड अमाउंट दिया हुआ है रुपीज़ कितनी 8,000. ठीक है, और मनी की जो वर्थ है वो कितनी है 4%. ठीक है, तो हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है 4%. ओके, सो कंपाउंडेड क्या हो रहा है सेमी एनुअली, मींस एम हमारे पास क्या आ जाएगा 2. फाइंड इसमें प्रेजेंट वैल्यू करनी है, यानी कि पी हमने फाइंड करना है. सो इसमें कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, गिवन है हमारे पास अमाउंट कितना 8,000. ठीक है, टी हमारे पास है 3 ईयर्स एंड आई कितना है, रेट हमारे पास 4% था. सो परसेंटेज है तो 4 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आई आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.04 एंड m हमारे पास है 2. नाउ फाइंडिंग I डिवाइड बाई m. सो I डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाई 2. सो I डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 0.02. ओके, सो नाउ फाइंडिंग m t. सो m हमारे पास है 2 एंड t हमारे पास है 3. सो 2 3 सा 6. सो फॉर्मूले की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट का है, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम की होल पावर एम टी. ओके, सो पुटिंग वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में, सो 8,000 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस 0.02 की होल पावर 6. ओके, सो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन पावर फाइंड करेंगे. सो 1 को प्लस करेंगे 0.02 में तो हमारे पास आ जाएगा 8,000 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1.02 की पावर 6. सो नाउ फाइंडिंग पावर, सो 8,000 इज इक्वल टू पी, जब हमने पावर फाइंड की तो हमारे पास आ जाएगा 1.126. ओके, सो इसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8,000 इज इक्वल टू 1.126 पी. सो पी के साथ 1.126 है, इसको डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे, सो 8,000 डिवाइड बाय 1.126 इज इक्वल टू
1.126 पी डिवाइड बाय 1.126, ओके सो ये आपस में कट हो जाएंगे. सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, जब हमने 8000 को डिवाइड किया 1.126 से, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 7104.795 आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.